हेलो गाइस, तो यार कैसे हो सभी लोग। आज अपन बात करने वाले हैं वोट इज अग्निपथ योजना। क्या है ये अग्निपथ स्कीम जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। वोट इज दिस राइट, ये बेसिकली है क्या चीज़, कितनी जॉब है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और आखिरकार ये कैसे फेल होती जा रही है, इसके रिगार्डिंग ये फेल कैसे हो रही है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अग्निपथ योजना बेसिकली है क्या। सो यार, जो हालांकि पिछले 2-3 दिन से PMO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया है रिगार्डिंग द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के रिगार्डिंग। ठीक है, भारतीय फौज जो डिपार्टमेंट है उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस क्यों जारी किया गया है, ये वैकेंसी जो है TOD स्कीम जो है क्यों लाई गई है, इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। यार, जो इंडियन आर्मी है इसकी जो है एवरेज औसत जो एज है वो है 32 ईयर्स, राइट। तो जो हमारी जो फौज है दिस इज कॉल्ड, मतलब इनको ऐसा लगता है कि यार 32 एज बहुत ज्यादा होती है, इस एज को हम थोड़ा सा अगर कम कर दें तो जस्ट लाइक जो है बहुत सारे स्टूडेंट 32 तक ही पहुंच पाते हैं, वहां तक पहले प्रिपरेशन करते रहते हैं तो कम एज के अंदर पहुंच नहीं पाते बेसिकली। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया कम एज वाली बच्चों को लो, तो गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकाली है कि जो है 10 लाख बच्चों को हम भर्ती करेंगे अभी। ठीक है, जिनकी एज कम होगी, मिनिमम एज होगी जैसे 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया इतनी तो हमारे पास सैलरी है नहीं, इतनी मतलब इतने लोगों को 10 लाख लोगों को जो है हम हमेशा हमेशा के लिए नहीं रख सकते, इतना फंड नहीं है हमारे पास आर्मी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो है हम जो है एवरेज एज कर देते हैं, ताकि अब अगर हम इतने लोगों को अगर भर्ती करेंगे तो एज हो जाएगी तकरीबन 26 साल, तो जो हमारी फौज है वो यंग फौज कहलाएगी। ठीक है, रशिया के बाद ना, जस्ट लाइक फ्रांस, रशिया के बाद जो हमारा देश है वो बहुत ताकतवर देश है। रशिया ये बोलता है कि अगर मुझे इंडियन आर्मी की जो थल सेना अगर वो मिल जाए तो मैं पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर लूंगा। तो आप सोच सकते हो इंडियन आर्मी की पावर क्या है, राइट। सो जैसे इनका मेन फंक्शन यही था, तो जो है 10 लाख जॉब निकाली गई। अब जो आपको सभी को पता है इंडिया की क्या कंडीशन है, तो जो 10 लाख जॉब है वो 10 लाख जॉब के लिए रिक्वायरमेंट फंडिंग चाहिए, इतनी फंडिंग तो है नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम जो है 10 लाख लोगों में, ये भी नहीं है कि सारे के सारे लोग सफिशिएंट होंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जो हम जो है 4 साल के लिए इनको जॉब देते हैं, 4 साल के लिए। ओके, सो लोगों ने कहा ठीक है, जो भी इनकी कमेटी ने कहा कि ठीक है भैया 4 साल की जॉब दे दो। 4 साल की जॉब में क्या होगा, पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यार, सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। ठीक है, जैसा कि हमेशा सिलेक्शन होता है, अगर आपका छोटा सा नाखून कटा हुआ है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई इश्यू है, देन आपको डायरेक्टली रस्टिकेटेड। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस वही रहेगा जो इतने साल से रहा है, यानी कि जो फौज के अंदर है वो कोई भी कंजूसी नहीं बरती जाएगी, सिंपल सा ये कहना है। फुल प्रोटेस के साथ, यानी कि फुल पॉसिबिलिटी, फुल चांसेस, फुल बॉडी, फुल स्ट्रेंथ, फुल मेंटेलिटी, ठीक है, एंड फुल बाउंस बैक, फुल सब कुछ फुल के साथ जो भी हमेशा होता रहा है उसके बेसिस पे ही सेलेक्ट किया जाएगा। उसमें कोई भी जस्ट कुछ भी नहीं बरता जाएगा, ठीक है, कुछ भी कंजूसी नहीं बरती जाएगी, आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें। सो जो ये क्या स्कीम है और इसका इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, यार गवर्नमेंट ने का ये कहना है कि जो है 10 लाख की जो जॉब है, ठीक है, 10 लाख जो लोगों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 2.5 लाख लोगों को जो हम परमानेंट कर देंगे जो भी 4 साल बाद, और जो है उनकी जो जो भी है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको परमानेंट कर दिया जाएगा एज पर, जितने भी इंडियन आर्मी के लोग हैं, और जो उतने भी लोग हैं जितने बच गए उनको वापस भेज दिया जाएगा 4 साल के बाद। ओके, ये गवर्नमेंट का सिंपल सा पंडा है। हम ये फेल क्यों हो रहा है, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको आप वॉच कर सकते हो। इसके अंदर टोटली हम जो है बात करेंगे कि निपत स्कीम क्या, बेसिकली सैलरी कितनी मिलने वाली है। सो यार, जो है 4 साल की स्कीम होने वाली है, 4 साल के अंदर पहले जो 6 महीने होंगे उसके अंदर जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी इंडियन आर्मी की स्पेशल ट्रेनिंग जो भी होती है 6 महीने की, उसमें भी कोई कंजूसी नहीं बढ़ती जाएगी, नॉर्मल जो ट्रेनिंग होती है हमेशा होती आई है उसकी तरह ही ट्रेनिंग होगी। ओके, आपकी अगर मैं सैलरी की बात करूं तो फर्स्ट ईयर जो है पहला जो साल होगा, पहले साल के अंदर जो आपकी सैलरी मिलेगी आपको वो है 30,000 रुपये। ठीक है, तो 30,000 रुपये के अंदर जो है 30,000 रुपये के अंदर जो है आपको इन हैंड आपके जो हाथ में आएगी वो आएगी 21,000 रुपये। 9,000 रुपये जो गवर्नमेंट है वो आपके आगे के भविष्य के लिए सेफ रखेगी, काट लेगी आपका। ठीक है, जो दूसरा साल आने वाला है यानी कि सेकेंड ईयर, उसके अंदर आपकी सैलरी होगी 33,000 रुपये। 33,000 में से जो है 29,000 रुपये, एंड उसमें से जो है आपकी कुछ काट ली जाएगी, एंड जो 99,000 रुपये, ठीक है, यानी कि 10,000 के करीब भी, एंड आपको जो टोटली सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो 23,000 कुछ प्रोवाइड की जाएगी। देन उसके बाद जो है
आपको सैलरी मिलेगी 36,000 की थर्ड ईयर के अंदर। 36,000 में से आपको मिलेगा 25,580 रुपये, बाकी जो बचेगी वो भविष्य के लिए काट ली जाएगी। चौथे साल के अंदर आपको 40,000 रुपये सैलरी है एंड आपको 28,000 रुपये आपके हाथ में दी जाएगी और बाकी जो बची वो काट ली जाएगी। जो बाकी जो सैलरी कटी जा रही है उसका क्या किया जाएगा यार, जैसे ही आपको 4 साल बाद रिटायर किया जाएगा, आपको कोई भी पेंशन नहीं दी जा रही है, जितने भी आपके पैसे काटे गए हैं एक तो वो पैसे और उनको डबल करके उतना ही गवर्नमेंट जो है उनको 2 से मल्टीप्लाई करके आपको जो है गवर्नमेंट पैसे दे देगी, ठीक है। एंड अगर आप अच्छे परफॉर्म करते हैं देन आपको हमेशा हमेशा के लिए इंडियन आर्मी में जैसे नॉर्मल सेलेक्ट कर दिया जाएगा। ये तो है सिंपल सा फंडा, ओके। अब जो है अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि भैया हम जो है 26 साल के हो चुके हैं, हम 25 साल के हो चुके हैं, अगर हम इस स्कीम में जाते हैं तो हमारी एज हो जाती है 4 साल बाद 31 साल, 30 साल या फिर 27 साल का कोई है तो उसकी एज हो जाएगी 33 साल, 32 साल, फिर हम कहाँ पे जॉब ढूंढेंगे, राइट? 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए कोई व्यवस्था है? सो नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। इसके लिए ही प्रोटेस्ट हो रहा है बेसिकली, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है क्यों फेल हो रहा है उसके बारे में बताया गया है, राइट। सो ये एक सिंपल सा फंडा था इसके रिगार्डिंग कि भैया अग्निपथ स्कीम है क्या। अग्निपथ स्कीम यह है कि 10 लाख जॉब क्रिएट की गई है जिसके अंदर यंग जवानों को भर्ती किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए, 25% लोगों को 4 साल बाद सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड जो भी हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक प्रोस्पेक्टस निकलेगा उसके हिसाब से जो है इसके अंदर सेलेक्ट किया जाएगा लोगों को, ओके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है, इसके अंदर बेसिकली जॉब जो है सिर्फ 4 साल के लिए ही है, ओके। और सिंपल एज पर नॉर्म्स ऑफ इंडियन आर्मी के अलावा अनुसार आपको जॉब मिलेगी, आपका हेल्थ फिटनेस सारा का सारा सब कुछ चेक किया जाएगा। सो दिस इज एन जस्ट लाइक जॉब, ओके। और भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप जस्ट मुझे बता सकते हो कि जस्ट लाइक इसके बारे में और आप क्या जानना चाहते हो, ठीक है। एंड एक ये क्वेश्चन था कि भैया ये किन किन के लिए है, ठीक है, क्या महिलाएं भी अप्लाई कर सकती है, क्या वुमेन मेन कौन कर सकता है। तो यार अभी ये सिर्फ ट्रायल चल रहा है और अभी जो है सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए ओपन किया गया है, यानी कि जो भी मेल जेंडर है उसके लिए है। हो सकता है इन फ्यूचर फीमेल के लिए भी ओपन किया जाए अगर सक्सेस होता है तो, लेकिन अभी तक जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए ही है। एंड आपकी जो भी हर डिस्ट्रिक्ट से हर स्टेट से, ठीक है, सब जहाँ से भी हो स्टूडेंट्स को जो भी अप्लाई करना चाहता है सबको मौका मिलेगा जाने का। एंड अभी तक जो है 10 लाख वैकेंसी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि भैया 10 लाख वैकेंसी जो है हम करेंगे इसमें टारगेट, ठीक है। तो ये सारा सीन है, दिस इज अग्निपथ स्कीम। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए एविनेशन वाला को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, खूब पढ़ते रहिए, टेक केयर।